जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है भारत का संविधान। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में जो प्रश्न मिलेंगे वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है संविधान को किस भाषा में लिखा गया था। संविधान को किस भाषा में लिखा गया था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा भारत। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 26 नवंबर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर। क्वेश्चन नंबर चार है भारत में संविधान कब लागू हुआ था। भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पर। क्वेश्चन नंबर पाँच है किसकी अध्यक्षता में संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया था। किसकी अध्यक्षता में संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर छः पर। क्वेश्चन नंबर छः है संविधान को किसने सजाया था। संविधान को किसने सजाया था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सात पर। क्वेश्चन नंबर सात है संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठ पर। क्वेश्चन नंबर आठ है संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नौ पर। क्वेश्चन नंबर नौ है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दस पर। क्वेश्चन नंबर दस है संविधान को हिंदी में अनुवाद किसने किया था। संविधान को हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा डॉक्टर रघुवीरन ने। ठीक है, डॉक्टर रघुवीरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर ग्यारह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग्यारह है संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे। संविधान पर पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान किसने लिखा था। संविधान किसने लिखा था, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि संविधान किसने लिखा था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय जाधा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान के जनक कौन थे। संविधान के जनक कौन थे, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा संविधान के जनक कौन थे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, थैंक यू।